सुजुकी ने रिसेंटली एक चेंज जो अपनी कार्स में किया है वो ये है कि अपनी कार्स को यहाँ सेफ बनाने की कोशिश करी गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कि ये चेंजेस हमने रियल लाइफ एक्सीडेंट में देखे हैं, जहाँ नहीं बल्कि उन्होंने कई सारे मेजर एक्सीडेंट में भी अच्छा परफॉर्म किया है। बात करी जाए मारुति फ्रॉन्क्स की तो ये कार भी बलेनो के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है। हार्टेक प्लेटफॉर्म को यहाँ चेंज तो नहीं किया गया पर कुछ चेंजेस जरूर किए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनका क्रैश टेस्ट जी एनकैप में नहीं देखने को मिला है, तो सेफ्टी पर कुछ डाउट्स अभी भी जाते हैं। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के कुछ एक्शन सामने हैं जहां गाड़ी ने मिक्स परफॉर्मेंस दिखाई है, पर कुछ इंप्रूवमेंट तो इसमें भी किया गया होगा और पुरानी बलेनो स्विफ्ट ऑल्टो जैसी कार से थोड़ी सेफ तो ये गाड़ी ज़रूर है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का एक मेजर एक्सीडेंट आज चैनल पर शेयर किया गया है। ये वीडियो मिस्टर पटनायक देव ने हमारे ईमेल पर शेयर किया था। आप भी इंस्टाग्राम फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। एक्सीडेंट भुवनेश्वर चेन्नई हाईवे NH-16 में देखने को मिला, यहाँ फ्रॉन्क्स और एक ट्रेलर ट्रक के बीच एक्सीडेंट हुआ, जहां एज पर डिटेल्स फ्रॉन्क्स करीब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल कर रही थी और साइड से जाकर ट्रेलर पर लड़ी। फ्रॉन्क्स में टोटल 3 लोग थे जिसमें से 2 लोगों को माइनर इंजरीज आई और को ड्राइवर साइड पर बैठे हुए पर्सन फेंट हो गया शॉक से। ट्रेलर में भी 2 लोग बिल्कुल सेफ रहे। फ्रॉन्क्स में मेजर डैमेजेस देखने को मिल सकती हैं सामने से, पर मेजर डैमेजेस आने के बाद भी पिलर्स इंटैक्ट हैं और एयर बैग्स यहाँ खुल गए हैं, और यही चीज़ मैटर करती है, गाड़ी को सेफ बनाती है। एक्सटर्नली कितने भी डैमेजेस आए पर गाड़ी का केबिन अगर सही रहता है तो गाड़ी को सेफ कहा जा सकता है। इस एक्सीडेंट में फ्रॉन्क्स ने एक बेहतर परफॉर्मेंस जरूर दिखाई और होपफुली ये गाड़ी ग्लोबल इनकैप के क्रैश टेस्ट में भी एक सम्मानजनक स्कोर ला पाए। बाकी फ्रॉन्क्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप क्या क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।